नमस्कार फ्रेंड्स, त्रिभुवन कुमार भारतीय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुवर्णा कैथवास। तो आज हम देखेंगे व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी या फिर एकल अध्ययन, ठीक है। इसको एकल अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में ये नाम से आ जाए तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो आपके टर्म्स हैं तो उनका आप नाम इंग्लिश में भी याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी में थोड़े अजीब अजीब नाम होते हैं, ये सब जानते हैं सोशियोलॉजी वाले, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या है, ठीक है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो है वो गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है, ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्व एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी भी जो मतलब आप ये पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, इसमें आपको किसी भी व्यक्ति, समुदाय या किसी भी संस्था के बारे में पूर्व मतलब कि जो पहले उसके बारे में आप अध्ययन करने से पहले जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके अलावा वो गहन जानकारी होती है, मतलब बहुत ही डीप स्टडी या डीप इंफॉर्मेशन होती है, तो वो प्राप्त की जाती है। और इसका प्रयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है, मतलब ये प्राचीन पद्धति है। फिर इसका जो नाम जुड़ता है वो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर के साथ जुड़ता है, लेकिन इसका जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में अध्ययन या प्रयोग किया वो लिपले ने किया। इनका पूरा नाम चार्ल्स लिपले था, ठीक है। तो इन्होंने जो हमारी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है इसका किस रूप में सबसे पहले उपयोग किया चार्ल्स लिपले ने, तो वो भी हम देख लेते हैं। आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्वेश्चन डीप में से आ जाते हैं, तो जब आप पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप उनका आंसर कर पाते हो। तो लिपले ने फ्रांस में परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए, ठीक है, अध्ययन के लिए इस विधि का सहारा लिया, ठीक है। क्या था? केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, है ना। तो जो आधुनिक समय है, मतलब जो हमारा करंट टाइम है, उसमें जो है मनोचिकित्सक जो है वो मनोरोगियों के लिए यूज करते हैं, या फिर जो अपराधी होते हैं या जो अनुशासनहीन युवक होते हैं उनके उपचार के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में, समाज विज्ञान में समाज के जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, है ना, तो समाज विज्ञान में समाज के, अब चूंकि हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी के, तो सोशियोलॉजी में समाज आएगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज में समाज के प्रतिभाशाली है ना, जो व्यक्ति हैं, नेता, कलाकारों, है ना, तो इनके संपूर्ण जीवन वृत्तांत मतलब कि इनके संपूर्ण जीवन के बारे में का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि सामाजिक विज्ञान में समाज के जो प्रतिभाशाली व्यक्ति, नेता या कलाकार संपूर्ण जीवन, इनके संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में अध्ययन की जाने वाली जो इकाई है ना, अध्ययन की जाने वाली जो इकाई है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को ले लिए तो आप उसको इकाई ही बोलेंगे, तो जो इकाई है तो उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित,
गहनतम एवं गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। गहनतम मतलब कि बहुत डीपली स्टडी किया जाता है उनकी, एक एक बातों को, एक एक आदतों को, हर चीज वो अपने अध्ययन में शामिल करता है। तो सरल भाषा में कहें कि किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय का अध्ययन विस्तृत रूप में किया जाता है तो वो व्यक्तिक अध्ययन है। ठीक है, व्यक्तिक अध्ययन की हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई, विशिष्ट इकाई, गहन अध्ययन। संपूर्ण अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन, संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई पहला तो है मतलब कि आप अगर अध्ययन करने जा रहे हो तो किसी एक व्यक्ति को चुनोगे या तो फिर समुदाय या संस्था को चुनोगे, किसी को भी चुनोगे तो एक विशिष्ट इकाई हमको मिल जाती है जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। एक गहन अध्ययन, जब आप अपने से अध्ययन कर रहे हो और चीज के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में तो आप स्वयं जाकर जानकारी लोगे तो गहन अध्ययन आप खुद अच्छे से कर पाओगे। संपूर्ण अध्ययन मतलब कि उसके बारे में एक एक चीज वो को आप अध्ययन करेंगे इस पद्धति के अंतर्गत। ये अध्ययन पद्धति ही ऐसी है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की, इसमें आप व्यक्ति की संपूर्ण बातों को, हर एक चीज को आप डिस्क्राइब करोगे, आप पता करोगे। गुणात्मक मतलब कि इसमें क्या है कि आप उसकी जो विशेषताएं हैं या जो बातों को तो बताने के साथ साथ और उसके अलावा जो कुछ भी आपको उसके बारे में गहन जानकारी या दूसरों से प्राप्त हो रही है तो वो बताओगे। और संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग मतलब कि आप इसमें प्रश्नावली का भी यूज कर सकते हो, अनुसूची का भी यूज कर सकते हो जानकारी लेने के लिए या किसी से जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो इसमें संपूर्ण पद्धतियों का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके यंत्र या प्रविधि कौन कौन सी है। तो इसकी जो यंत्र है या फिर प्रविधियां हैं व्यक्तिगत अध्ययन की, यंत्र या प्रविधियां, ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या क्या है। सबसे पहला डायरी। डायरी आप लोग सब जानते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति डायरी अवश्य लिखता है, तो डायरी जो है वो उससे रिलेटेड होती है, वो उसका पर्सनल जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमको डायरी से पता चलती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि पत्र। लोग एक दूसरे को पहले पत्र पत्र भी लिखते थे, तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी एक दूसरे को पत्र से वार्तालाप करते थे, तो वो ऐतिहासिक घटना हो गई, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में वर्णन भी मिलता है ना, तो उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है पत्र। फिर उसके बाद है जीवन इतिहास, है ना, तो जीवन इतिहास के विषय में किसी के बायोग्राफी लिखी जाती है कि किसी के जीवन से संबंधित या कोई महापुरुषों के उनके जीवन से संबंधित कुछ अभिलेख लिखे जाते हैं, तो उस अभिलेख के बारे में उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रलेख। ठीक है, प्रलेख यानी कि पुस्तक, पुस्तक लिखी जाती है, पत्रिकाएं लिखी जाती हैं, पत्रिकाओं और पुस्तकों में बहुत अधिक जानकारी होती है, आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद पहले वंशावली भी लिखी जाती थी, है ना, उसके बारे में वर्णन प्राप्त होता है लोगों के बारे में। फिर आत्मकथाएं, फिर स्कूल या कॉलेज के रिकॉर्ड जो होते हैं, रिकॉर्ड, तो इन सब चीजों के बारे में हमको पता चलता है। और ये सब चीजें यंत्र या प्रविधि हैं व्यक्तिगत अध्ययन, इनको यूज करके हम ढेर सारी इंफॉर्मेशन
प्राप्त कर सकते हैं अपने अध्ययन के लिए। तो उम्मीद है कि आपको केस स्टडी समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।